ट्राई के नए टैरिफ 2 को लागू किए जाने के विरोध में गोरखपुर केबल ऑपरेटर संघ ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा। नए नियम लागू हो जाने से प्रति टीवी कनेक्शन 500 रुपए से अधिक हो जाने से केबल के कनेक्शन कटने लगेंगे। गोरखपुर केबल ऑपरेटर संघ के मंत्री मनोज कुमार श्रीवास्तव गणेश ने बताया कि ट्राई द्वारा नए टैरिफ 2 लागू हो जाने से 500 से 1000 केबल ऑपरेटर जो अपने परिवारों का जीविकोपार्जन कर आत्मनिर्भर है वह बेरोजगार हो जाएंगे। अपर जिलाधिकारी प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग किया है कि एनटीओ 2.0 को तत्काल वापस लिया जाए, नहीं तो बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन कर इस कानून को वापस कराने का कार्य करेंगे। वहीं इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए ग्राउंड ब्रेस्ट ब्रॉडकास्टर वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुख्य एवं संस्थापक ट्रस्टी हनुमान सिंह बघेल ने कहा कि टैरिफ 1.0 में ही तमाम विसंगतियों का सामना केबल ऑपरेटर कर रहे थे, जिनको दूर करने के बजाय गिने चुने ब्रॉडकास्टरों को लाभ पहुंचाने के लिए एनटीओ 2.0 को रेगुलेटर ट्राई के माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया है, जिसको 1 जनवरी 2022 से लागू किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे केबल व्यवसाय पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि टैरिफ रेट के बढ़ने से जहां लोग केबल कनेक्शन कटवा लेंगे, वहीं इस इंडस्ट्री से जुड़े केबल ऑपरेटर अपना खर्चा भी नहीं निकाल सकेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है उसको काफी हद तक धक्का लगेगा, क्योंकि सभी केबल ऑपरेटर आत्मनिर्भर हैं। विरोध का दूसरा कारण यह है कि जब केबल कनेक्शन की संख्या घटेगी तो लोकल चैनल ग्राउंड ब्रेस्ट ब्रॉडकास्टर जो फ्री टू एयर चैनल होते हैं को देखने की संख्या घटने से आम जन भी स्थानीय कॉन्टेंट को देखने से महरूम हो जाएंगे। इस संबंध में ट्रस्ट भी अपना प्रत्यावेदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस आशय के साथ इस दौर में आम जन को राहत देते हुए आत्मनिर्भर केबल ऑपरेटरों को बेरोजगार होने से बचाते हुए एनटीओ 2.0 के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाएं तथा इस फील्ड और जमीनी स्तर पर सच्चाई जानने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाकर ब्रॉडकास्टर के मनमानी पर रोक लगाएं। इस दौरान केबल ऑपरेटर संघ गोरखपुर के अध्यक्ष केपी सिंह, राजन महेंद्रू, अवधेश सिंह, रेहान आलम, मनोज श्रीवास्तव, सुधीर सक्सेना, जमशेद खान सहित अन्य संबंधित लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर केबल ऑपरेटर संघ के मंत्री मनोज कुमार श्रीवास्तव गणेश तथा ग्राउंड ब्रस्ट ब्रॉडकास्टर वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुख्य एवं संस्थापक ट्रस्टी हनुमान सिंह बघेल ने कहा। रुकिए भैया, कर वेतन पीछा भाई भैया, उतारोगे भाई? आप हम सभी गोरखपुर के स्थानीय केबल ऑपरेटर जो गोरखपुर शहर में स्थानीय केबल टीवी का संचालन करते हैं, हम आपका ध्यान केबल टीवी पर गलत तरीके से बनाए गए विनियमन टेरी पार्टर 2.0 जो आकर्षित करना चाहते हैं। केबल टीवी उद्योग से जुड़े बहुत से बेरोजगारों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। ट्राई केबल से नया टेरी पार्टर 2.0 लागू करने जा रहा है। ट्राई और ब्रॉडकास्टर नए टेरी पार्टर को लागू करने के लिए इन्वेस्टर पर दबाव जबरन दबाव बना रहे हैं, जिससे केबल टीवी ऑपरेटर नेशनल इन्वेस्टर और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर को भारी नुकसान होगा। नए टेरी पार्टर में 1.0 ने बहुत पहले ही केबल उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है और मौजूदा हालात में जो केबल उद्योग भारी नुकसान होने की संभावना है। साथ ही अनेक लोगों के ऊपर बेरोजगारी और भोजन के दरबार लटक जाएगी, जिससे पूरे शहर में केबल टीवी संचार होगा, धंधा चौपट हो जाएगा। अपने खूब पसीने से उद्योग को बनाने वाले केबल ऑपरेटर आज उद्योग अपने अस्तित्व को लेकर असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि ट्राई के पहले टेरी को आदेश ने उपभोक्ताओं को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। यह पूरी तरह से शहर में उपभोक्ताओं और स्थानीय केबल ऑपरेटर के पक्ष में नहीं है। केबल टीवी देखना नहीं कोई मांगा है बल्कि आज के उपभोक्ता बिना केबल टीवी के मनोरंजन के बिना शाम गुजरा बैठे हैं। इसका पूरा श्रेय सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार और ट्राई किया जाता है। ट्राई ने केवल ब्रॉडकास्टर को उपयोग देकर ब्रॉडकास्टर के हितों और उनके राजस्व का ख्याल रखा। ऐसा लगता है कि ट्राई केवल उपभोक्ताओं के दरों को कम करने और ब्रॉडकास्टर के राजस्व को बढ़ाने के लिए केबल टीवी उद्योग पर टेरी भाड़ा जबरन थोप रहा है। विचारणी विषय है कि टेरी आदेश 1.0 के बाद उपभोक्ताओं की संख्या टेरी आदेश 1.0 के पूर्व की अपेक्षा लगभग 70% कम हो चुकी है। ये टेरी आदेश 2.0 लागू होता है तो उपभोक्ताओं के हित में न होते हुए लगभग समाप्त हो जाएगा।
केबल ऑपरेटर और रेस्टो के लिए कुछ उनका एक्सपीरियंस जो ब्रॉडकास्टर विज्ञापन से 2300 करोड़ का राजस्व कमाता है और कुल राजस्व का 80% जिमेश शंकर से वसूल रहा है, जहाँ एलसीओ लोकल केबल ऑपरेटर स्वयं राहत से गाली और अपना को विश्रहण करते हुए राजस्व एकत्र करता है, वही इसी संग्रह से राजस्व ब्रॉडकास्टर अपने नेटवर्क का रखरखाव करते हुए अपने परिवार का भी भरण पोषण करता है। यदि अन्य के लिए 2.0 लागू होता है तो कई केबल टीवी ऑपरेटर उनकी कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे और बहुत से केबल ऑपरेटर जो कम राजस्व कमाएंगे इस व्यवसाय को पहले ही छोड़ चुके हैं तब पूरी गरार पर आ गए हैं, उनके लिए नए टीवी 2.0 के बाद अस्तित्व को बनाए रखना असंभव हो। अब लाखों रुपये बहिष्कार करेगा यदि इस नए टीवी 2.0 को लागू होने से नहीं रोका गया तो केबल टीवी उद्योग से जुड़े अनेक लोग बेरोजगार हो जाएंगे और उनके पास जीवित रहने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि सभी स्थानीय केबल ऑपरेटरों एम एस ओ उनके कर्मचारियों की स्थिति पर ध्यान देते हुए इस पर सुचित कार्रवाई करें और उस काला कानून को लागू में जरूर। मनोज कुमार श्रीवास्तव, गोरखपुर केबल ऑपरेटर। ये डिजिटलाइजेशन के बाद टैरिफ 2 लागू हो रहा है, ये टैरिफ 2 केबल उपभोक्ता जो केबल के माध्यम से सारे चैनलों को देखते हैं, ये टैरिफ 2 लागू होने के बाद जो आज 300 रुपये में चैनल देखा जा रहा है सारे उपभोक्ता देखते हैं, ये किराया बढ़ करके 500 रुपया प्रति टीवी हो जाएगा। इसका सीधा फायदा सारे बड़ी कंपनियों को होगा, ये छोटे केबल ऑपरेटर जिससे 500,000 घर बेरोजगार हो जाएंगे, इसको रोकने के लिए ट्राई इसको लागू कर रही है, इसी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन हम लोग आज दे रहे हैं कि इस कानून को रोका जाए, इस कानून को न लागू किया जाए। अगर ये कानून नहीं रोका गया तो इसका पूरा आंदोलन पूरे हिंदुस्तान पूरे भारतवर्ष में छेड़ा जाएगा और यही प्रार्थना लेकर के आज हम लोग यहाँ सारे लोग उपस्थित हुए हैं। गोरखपुर केबल ऑपरेटर संघ जो है वो अपनी विभिन्न मांगों को और ट्राई के 2.0 जो टैरिफ रेट है उसके खिलाफ ये आंदोलित है। इनका कहना भी है कि केबल का व्यवसाय जो करने वाले हैं उनका रेट बढ़ जाएगा तो लोग निश्चित तौर पे अपना केबल का कनेक्शन कटवाएंगे और केबल का कनेक्शन जब कटवाएंगे तो वो फ्री डिश और सब चीज़ों पर जाएंगे। इसमें हम ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टर वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया इनके साथ खड़ी है और इनकी जो जेन्युइन मांग है उस मांग के साथ ये सही है कि लोकल चैनल्स की हम लोग संघर्ष करते हैं, लोकल चैनल केबल चलते हैं तो केबल के थ्रू ही चलते हैं, लोकल कंटेंट को मुहैया होती है वो केबल के माध्यम से है और जब केबल के माध्यम से जब कनेक्शंस कटेंगे तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव हम लोग के ऊपर पड़ेगा क्योंकि कनेक्शन कटेंगे तो लोग और जनता के ऊपर पड़ेगा, जनता इसलिए करेगी कि वो कनेक्शन कटवाएगी। एक इसमें क्या है कि चैनल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक फ्री टू एयर चैनल होता है और एक होता है पे चैनल। ये सारी गणित जो है ये पे चैनल्स को बढ़ावा देने के लिए और उनको ब्रॉडकास्टर्स को इस हिसाब से रखने के लिए क्योंकि ये लोग एला कार्ट करके अपना वो चलाते हैं और उसमें थोपते हैं चैनल्स को कि आप ये चैनल चलाइए इसके साथ इसको भी चलाना ज़रूरी है। किसी न किसी कारणों से ट्राई के लोगों को ये कन्विंस किया गया कि साहब हमको 2.0 टैरिफ को करिए और इस तरीके से जो किया गया जो हिडन बातें थी ट्राई ने अपने रिकमेंडेशन चूँकि ट्राई रिकमेंडेटरी अथॉरिटी है उन्होंने MIB को दिया हुआ है कि इसके बारे में इसको वापस ले लिया जाए मतलब ये लागू कर दिया जाए। पहले 1.0 था टैरिफ का और 2.0 करके उसको लागू कर दिया गया। जो इसमें हिडन बातें हैं उसके हिसाब से ये है कि ये रेट्स महंगे हो जाएंगे, आम पब्लिक के रीच के बाहर हो जाएंगे, लोग कनेक्शंस को कटवाना चालू करेंगे, उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है आम जनता के ऊपर पड़ने वाला है महंगाई के दौर में और ये सारी चीज़ें जो किसी न किसी सरकार के उच्च अधिकारियों के पास प्रधानमंत्री जी के पास या MIB मिनिस्टर के पास ये बातें नहीं हैं। हम लोग का एक ही डिमांड है कि इसको स्थगित रखा जाए और पूरा इस पर थारोली चेक किया जाए, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बुलाया जाए और केबल व्यवसाय से जुड़े हुए जो एक स्वरोजगार कर रहे हैं अपने किसी सरकार पर आश्रित नहीं हैं वो अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो इसकी सीधी जो प्रधानमंत्री जी की योजना है कि साहब लोगों को रोज़गार दिया जाए वो रोज़गार जो सरकार नहीं दे रही है फैसिलिटेट कर रही है उससे ये लोग बाहर हो जाएंगे, दायरे से बाहर हो जाएंगे और कुछ गिने चुने लोग जो ब्रॉडकास्टर हैं उनके फ़ायदे के लिए होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है केबल इंडस्ट्री पे
इसका दुरुपयोग, इसका बहुत भारी असर पड़ने वाला है। और इस असर के गंभीरता को देखते हुए, चूँकि हम ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टर वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैं, हमको लगता है कि ये पूरे पैन इंडिया पर लागू हो रहा है, तो हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए आ गए हैं। और इसकी पीछे की जो व्यवस्थाएं हैं उसको हम देख करके, महसूस करके ये महसूस कर रहे हैं कि ये इनकी लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है, पूरे पब्लिक की लड़ाई है। और इसको कहा जा रहा है कि नहीं साहब केबल इंडस्ट्री की लड़ाई है, तो इस लिहाजा इसलिए इसको 2.0 को वापस लिया जाए। हम भी आज प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सीधे उनको भेज रहे हैं, ट्राई चेयरमैन को भेज रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं कि इसको स्थगित किया जाए, MIB मिनिस्टर को भेज रहे हैं कि इसको स्थगित किया जाए, और हम इनके साथ हैं। धन्यवाद।